और अब खबर है, मोस्ट वांटेड साकिर नाइक ने फिर उगला शहर। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काता हुआ नजर आ रहा है साकिर नाइक। मुसलमानों से मिलकर बिल का विरोध करने का आह्वान किया है। एकजुट हो जाएं तो वक्फ बोर्ड बिल पास नहीं हो पाएगा। बीजेपी सरकार पिछले 10 सालों की तरह ताकतवर नहीं है, मजबूती से विरोध करेंगे तो सरकार कदम पीछे करेगी। ये साकिर नाइक की तरफ से कहा गया और वक्फ बिल को लेकर एक बार फिर से साकिर नाइक जो है वो भड़काता हुआ नजर आ रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति बनने के बाद समिति के अंदर लगातार टकराव हो रहे हैं। कई सरकारी निकायों ने वक्फ बोर्डों पर उनकी संपत्तियों पर कब्जा रखने के आरोप लगाए हैं। वहीं वक्फ बोर्ड की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं कि उनकी कई संपत्तियां सरकारी निकायों के अनाधिकृत कब्जे में है। इस बीच संसद की संयुक्त समिति ने प्रस्तावित कानून पर सुझाव मांगे हैं। संसद की संयुक्त समिति के सुझाव मांगने के बाद दिल्ली से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ युवक हाथ में माइक लेकर लोगों से सुझाव देने की अपील करते हुए सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में आप युवकों को कहते हुए सुन सकते हैं जो कह रहे हैं कि अगर ये कानून आया तो आपसे आपकी मस्जिदें, ईदगाह और कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। हालांकि इस वीडियो को लेकर प्रशासन, वक्फ बोर्ड या किसी अन्य संगठन की तरफ से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये वीडियो जो है वो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। और इस पर फाजिल अहमद, इस्लामिक स्कॉलर आचार्य प्रमोद मिश्रा, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ चर्चा करने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। फाजिल अहमद साहब, सबसे पहले तो इस वीडियो के बारे में आपसे मैं समझना चाहूंगी, आपका इस पर क्या स्टैंड है? इस वीडियो में कहा जा रहा है मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, अगर इस बिल को लेकर आप एक साथ अपनी बात रखेंगे तो सरकार उतनी मजबूत नहीं है, इस बिल को पीछे ले लिया जाएगा, यानी बिल पास ना होने दिया जाए, ये मकसद है। लेकिन बार बार जब सरकार ये कह रही है कि ये तो हम मुस्लिमों के हक की बात कर रहे हैं, कोई हक नहीं छीना जा रहा है, तो इस तरह के मैसेज समाज में क्यों जा रहे हैं? देखिए, ये बिल का विरोध आम जन मुसलमान सब लोग कर रहे हैं, और जो सरकार ने तरीका सुझावा है मेल करना और इस तरह के जो अपने राय देना, वो कर रहे हैं लोग। और इस तरह की वीडियो से सबको पता है लोगों का गुस्सा है, वो किस तरह से अपने गुस्से का इजहार करते हैं कि अब सबकी अपनी। लेकिन सवाल ये है फाजल अहमद साहब, आप कह रहे हैं कि सब इसका विरोध कर रहे हैं, तो बीच में ही बिल्कुल आप अपनी बात पूरी करिएगा। आपने जो आपने कहा कि बिल्कुल सब विरोध कर रहे हैं, तो विरोध किस बात को लेकर है? मैं बस इतना समझना चाहती हूँ आपसे। मैंने कहा कि विरोध करने का जो तरीका सरकार ने बताया है, सबसे राय मांगी जा रही है मेल के थ्रू, चिट्ठी के थ्रू, और जो भी तरीका है। और दूसरी, पार्लियामेंट तय करेगी ना, तो पार्लियामेंट में हम तो है नहीं कि जाकर के वोट देंगे नहीं देंगे। हमारा काम है, जो भी सत्ता के दल है या विरोधी दल है, हम अपनी लॉबिंग करने के लिए किसी भी बिल को पास करना ना पास करना का तरीका यही होता है ना जी। अब कोई वीडियो बना के कुछ भी डाले, उससे कोई जरूरी नहीं कि हम लोग उसका जवाब दें, सबकी अपनी निजी राय हो सकती है। तीसरी बात यह है कि इस बिल के माध्यम से, अभी तो बिल पास नहीं हुआ जी, तो कितनी मस्जिदें तोड़ दी गई, कितनी ईदगाहें तोड़, दिल्ली में एक ईदगाह तोड़ दी गई, सबसे बड़ी ईदगाह दिल्ली के अंदर, ईदगाह नाम ही उस जगह का भी नाम ईदगाह है, उसकी पूरी बाउंड्री गिरा दिया इन लोगों ने, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन तरफ सभी लोग थाने जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस दिन ये बिल पास हो गया उस दिन तो सही बात है कि क्या बचेगा, सरकार को तो पूरा अधिकार मिल जाएगा। तो हम क्या इस लोकतंत्र में अपनी अपनी विरोध करने का भी हक छीन लेना चाहते हैं लोग? ऐसी सरकार चाहिए देश के अंदर कि आप विरोध में अपना बात भी नहीं कह सके, आप किसी बिल का विरोध भी नहीं कर सकते, आपको इतना बुरा लग रहा है। लेकिन बिल में ये कहां लिखा है, बिल में ये कहां लिखा है कि अगर ये बिल पास हो जाएगा तो ईदगाह, मस्जिदें, ये सब तोड़ दिए जाएंगे? और अगर जो दिल्ली में ईदगाह की आप बात कर रहे हैं, अगर वहां पर कार्रवाई हुई है तो अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई हुई है, ये तो पूरी दिल्ली अवैध है, तो पूरी दिल्ली तोड़ दीजिए, पूरी दिल्ली अवैध है, सबको यहाँ पे 25% डीडीए है, 75% पूरे दिल्ली में नॉन डीडीए, तो पूरा दिल्ली तोड़ देंगे आप। अवैध और वैध की तो परिभाषा अभी तक देश में तय हुई नहीं कि अवैध और वैध क्या है। लेकिन आप इस बिल को लेकर क्यों विरोध जता रहे हैं, और बाकायदा विदेशों में तक साजिश रची जा रही है कि बिल को पास ना होने दिया जाए, ये तो देश की बात है ना, और इस पर तो बाकायदा ओपिनियन भी मांगा जा रहा है। भारत की मीडिया में जो बीजेपी कहती है वही मीडिया बोलती है,
तो विदेश में क्या हो रहा है? ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बुरा लग गया आपको? बहुत, देखिए ये बुरा लगने की बात नहीं है। देखिए सच बात, अब आप क्या बोल रही हैं? इस बिल में क्या है, आपको क्या पता है कि इस बिल में पढ़ा आपने बिल? आप बताइए ना, बिल पढ़ा है, आप बताइए बिल में आपको किस बात को लेकर नाराज की है? आप ही जैसे लोग हैं जो समाज में जाकर ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर ये बिल पास हो जाएगा तो ईदगाह तोड़ दी जाएंगी, आपका ये नुकसान हो जाएगा, जबकि इस बिल में मुसलमानों के हक की बात की जा रही है। आपने अपनी बात रखी है, मैं कहूंगी आचार्य प्रमोद मिश्रा जी आपका इस पर क्या ओपिनियन है, आप अपनी बात रखिए। ठीक है फाजिल अहमद साहब, ठीक है आपने बोली हक की बात, क्या बता दो हक बता दीजिए जो मुसलमानों को, दो फायदा बता दीजिए इस बिल से। मैं चाहूंगी पहले मैं बताऊंगी आपको, मैं बताऊंगी, आप नुकसान बताइएगा, मैं फायदा बताऊंगी आपको। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी आप अपनी बात रखिए इस पर। जी जी, किस विषय पर मैम, क्या प्रश्न आपका क्या है? ये जो बाकायदा वीडियो बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वक्फ बिल को पास नहीं होने दिया जाए, ये मैसेज दिया जा रहा है, जबकि इस बिल को लेकर ओपिनियन मांगी जा रही है तमाम लोगों से, और ये कहा जा रहा है कि आप अपनी ओपिनियन दीजिए कि आखिरकार क्यों ना पास हो और क्यों पास होना चाहिए। मैम कारण है ना, कारण ये है कि अभी तक जो पिछले 2014 से पहले जो सरकारें रही हैं वो खुलेआम और कानूनी तरीके से भी, संवैधानिक तरीके से भी, और हर तरीके तौर तरीकों से उन्होंने सिर्फ यही काम किया है कि हिंदू कैसे नष्ट हो, सनातन कैसे मिटाया जाए, कैसे गुप्त किया जाए। सुन लीजिए, मैं आपके आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आपको दिए हैं बोलने के लिए, तभी सीखो कि किसके बीच में बोलना है, तभी सीखो। मैं धर्मगुरु हूँ, सिखाया जाता है, रुक जाओ रुक जाओ, सुनो, कोई गुरु बन जाता है क्या? सुनो, तो अकल होनी चाहिए ना, इसलिए अकल होनी चाहिए, अकल नहीं बोलना है, ज्यादा अकल है। अरे भाई फाजिल अहमद साहब, ये बोलने नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है फाजिल अहमद साहब, ये बीच में फाजिल अहमद साहब, ये तरीका ठीक नहीं है, इसको आदत है, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है सर, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इसके पास अकल नाम की चीज नहीं है। ये आप किस तरह से बात रख रहे हैं, आप किस तरह से बात रख रहे हैं, आप अगर इस तरह से बात करेंगे मुझे आपका ऑडियो म्यूट कराना पड़ेगा। फाजिल अहमद साहब नहीं है, फाजिल अहमद साहब सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। यही अकल नहीं है कि बीच में नहीं बोलते हैं, ये बोल रहा था, पहले मैं चुप रहा था, फिर कि मैं बोलना शुरू किया तो बीच में बोलेगा। फाजिल अहमद साहब आप इस तरह से अगर बात करेंगे मुझे आपका ऑडियो म्यूट कराना होगा। इसी तरह के बयान आपके धर्म से जुड़े जाकिर नाइक भी इसी तरह का बयान देते हैं, आप सपोर्ट करते होंगे चैनल पर, तो इनको जो जाकिर नाइक के सपोर्ट में है करना पड़ेगा, ये बीच में बोलेंगे की आदत है, क्योंकि अभी आदत पड़ी हुई थी। ये तरीका बहुत गलत है, ये तरीका बहुत गलत है फाजिल अहमद साहब। मैडम मैडम टॉपिक यही है कि जो भी जो सरकारें रही हैं 2014 से पहले, सुन लीजिए मैम, इनको इनको बोलने दीजिए, ये बोलेंगे आदत है, बाद बाद में कीड़े दिमाग में आ जाते हैं, उठ जाते हैं। इनका काम एक ही है, जो मुसलमान है उनको गुमराह करना, सही मार्ग न देना, सही मार्गदर्शन न बनना, तो अगर ये यही आदत है ये करेंगे। फिलहाल अभी की जो जरूरत है, अभी जरूरत है, सरकार सही निर्णय ले रही है, और सरकार है वो सरकार है देश में, जितने भी चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वो सबके लिए काम कर रही है, सबके लिए बराबर हक दे रही है। लेकिन वो सरकार जो बराबर मुसलमानों के लिए काम किया, मुसलमानों ने 2024 में क्या दिखाया आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ये भी जानते हैं, ऐसा नहीं है मैं ही नहीं जानता हूँ, ये भी जानते हैं, क्योंकि बोलेंगे नहीं, कि बोल नहीं सकते क्योंकि भाषा सिखाई नहीं गई इनको, तो क्या बोलेंगे। फिलहाल यहाँ जरूरत है कि इस बिल को पास होना बहुत जरूरी है, फिलहाल विरोध करने वाले करते रहेंगे, कि जो सही है उचित है वो काम करना बहुत जरूरी है मैम, ये देश हित में है, देश कल्याण के लिए, ये हम पांच हमारे 25 से काम नहीं चलने वाला, और ना सरिया से काम चलने वाला है, काम संविधान से चलने वाला है, काम जरूरत है, देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है, जो कि सरकार कर रही है और करना चाहिए मैम, यही है, बाकी ठीक है, इनका अपना मत है, वो अपना बताएंगे। जी बोलिए फाजिल अहमद साहब। देखिए अभी तो ये बिल पास करवा रहे हैं, टीडीपी खिलाफ है, नीतीश कुमार खिलाफ है, ये कहां जा रहे हैं पास करने, इतना बेचैन है, पास हो जाए पास हो जाए। जब ये हमने सवाल इतने कर दिया कि 14 से पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, वो भी हिंदू विरोधी थे, सवाल यहाँ हिंदू विरोधी का थोड़े है। देखिए वक्फ की जमीन, मुसलमान अपनी दान की जमीन, मुसलमानों की अपनी जमीन है, हमने आपको दे दिया कि आप ये
जनता के लिए हित में काम करो, तो आप उस जमीन को बेच खाइए। इसके लिए नहीं दिया था आपको कि आप उसको बेच खाइए। वक्फ जो है इसकी कस्टोडियन सरकार है, उसका जो पैसा आता है सरकारी खजाने में जमा आता है, पूरे वक्फ का संचालन सरकार करती है। नहीं लगता वक्फ के वक्फ बोर्ड के पास जो असीमित शक्तियां हैं उस पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। और ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस वक्फ बिल को लेकर आप बात कर रहे हैं कि क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, और आप जैसे लोगों को तो कम से कम आगे आना चाहिए और ये मैसेज देना चाहिए कि भारत की बात है, वक्फ बिल भारत में पास होने और ना पास होने की बात हो रही है, तो यहाँ पर ही ये मामला सुलझाया जाए। जाकिर नाइक जैसे लोग बाहर विदेशों से आकर इस तरह के मैसेज ना दे, इस पर आप लोगों को बात करनी चाहिए और कम से कम आगे आना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए। वक्फ बोर्ड के बहुत से उद्योगपतियों का घर है, सरकार उन उसको बेचना चाह रही है। चलिए, समय की कमी है फाजिल अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य प्रमोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।